अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह ने भी अयोध्या में निहत्थे कार्यसेवकों के साथ इसी प्रकार का किया था। आज भी वो इसी प्रकार की सोच रहे हैं। अयोध्या में आगामी 25 नवंबर को होने वाला धर्म संसद जो है वो साधु संतों का सम्मेलन है और साधु संत इस देश के न्यायप्रिय हैं, न्याय में उनका पूर्णतया विश्वास है और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने इसके लिए उन्होंने धर्म संसद का सिर्फ अयोध्या में नहीं देश के अन्य चार अन्य स्थानों पर भी आयोजन किया है। अखिलेश यादव जी को डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है, सुनिश्चित है। किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। इसीलिए अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में पुलिस पीएससी और अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। अखिलेश जी सिर्फ एक बात यह स्पष्ट कर दें कि जिस प्रभु श्री राम को जिनका अवतार माना जाता है विष्णु जी, उनके मंदिर बनवाने की तो बात करते, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने इस पर उनका और उनकी पार्टी का क्या कहना है यह स्पष्ट करें। देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान निश्चित रूप से सच ही लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कभी भी देश के संविधान, देश के तिरंगे और राष्ट्रगान में भरोसा नहीं रहा है। गोलवलकर जी ने पहले कहा था कि भारत का संविधान मूर्खों का संविधान है। ये अखिलेश यादव जी का बयान निश्चित रूप से सच है। दूसरी बात ये कि ये बात भी सच्ची है कि तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की जनता से 2014 और 2017 के चुनाव में वादे किए उन पर वो बुरी तरीके से फेल हुए और सारे वादे इनके झूठ और जुमले का पुलिंदा साबित हुआ है। ऐसे में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की मोदी और योगी सरकार से बुरी तरीके से नाराज़ है और बदला लेने को तैयार बैठी है। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम का नाम याद आ रहा है और राम में इनकी कोई आस्था नहीं है। राम को हमेशा इन्होंने सत्ता पाने की सीढ़ी समझी है, लेकिन जनता समझदार है। ये जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जनता सब समझ रही है और 2019 के चुनाव में जवाब देगी। कानून व्यवस्था वो सरकार का पक्ष होता है। मुझे लगता है कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को इस बात पर सतर्कता बरतनी होगी कि किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए।